हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मिशन मजनू का टीजर रिव्यू करेंगे जो 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने वाली है। टीजर शुरू होता है 1971 वॉर के बाद की रियल टाइम फुटेज में, जहां बताते हैं कि हार के बाद खिसिया चुका पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का प्लान बना रहा था, पर उन्हें इंडिया की रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग के लोगों की काबिलियत का पता नहीं था, जिसमें एक ऐसा स्पाई यानी जासूस था इंडिया का जिसके बारे में कोई हिस्ट्री और रिकॉर्ड भी नहीं है। और एक धमाकेदार एंट्री होती है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जो दर्शकों को समझाता है कि वो एक डेयर डेविल देशभक्त जासूस हैं जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिल्म काफी अग्रेसिव लग रही है, एक्शन सीन बड़े हैं। इसमें पुष्पा फिल्म की रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में है। फिल्म को डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। फिल्म के राइटर हैं परवेश शेख, असीम अरोरा और सुमित भतीजा। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला, गरिमा मेहता ने। ओवरऑल फिल्म का टीजर अच्छा है, पर डायलॉग्स घिसे पिटे और फिल्मी है या फिर सब देखा सुना हुआ है। तो गन तो ले जा। रख ले, मेरे काम करने का तरीका अलग है। टीजर में तो कुछ खास नहीं है, पर उम्मीद है इसके ट्रेलर से, जिसमें फिल्म शायद थोड़ी अच्छी लगे। नहीं तो ऐसे स्पाई और जासूसी की फिल्में और वेब शो जैसे राजी, मुखबिर हम सब देख चुके हैं। अब गेम इंटेंसिटी में बड़ा होना चाहिए, हमारी यही उम्मीद है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था फिल्म मिशन मजनू का टीजर का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल स्मैश करना, और नहीं करने का मूड हो तो गरीबों को 11 बनाना यानी 11 केले अपनी तरफ से खिला देना। रिव्यू को सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।